हेलो गाइज, मैं हूँ शुभम। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइज, हूँ एक सोशल मीडिया यूजर्स, ठीक है, और मेरे सर आप सभी लोग जो है सोशल मीडिया यूजर्स है और होंगे। हमारे सोशल मीडिया पे एक ऐसा एप्लीकेशन है, एक ऐसा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जो कि बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल, ठीक है, जिसकी बहुत डिमांड है। हमारे प्ले स्टोर पे एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि उस कंपनी ये दावा करती है कि आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो किसी अदर पर्सन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में किस नाम से सेव कर रखा है। ठीक है, जैसे अभी मैं हूँ, अभी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेरे फ्रेंड ने किस नाम से सेव कर रखा है वो मैं पता लगा सकता हूँ उस एप्लीकेशन की सहायता से। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ गेट कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, तो आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि उस एप्लीकेशन की सहायता से कैसे हम हमारे कॉन्टैक्ट को किसी अदर पर्सन के फोन में पता लगा सकते हैं कि हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो किसी और फोन के किस नाम से सेव करते हैं। फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेरे जो फोन की जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो मैंने यहाँ पे ऑन कर ली। सबसे पहले क्या करता है कि प्ले स्टोर को खोलते हैं और यहाँ पर हम डाउनलोड करते हैं गेट कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन को। ऑल राइट, गेट तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा ऊपर ही ऊपर। और ऑल राइट, 124 MB का जो है ये एप्लीकेशन है, इसको सबसे पहले जो आपको डाउनलोड कर लेना है। हमारे जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड होने वाला है, ठीक है। और आज की हमारी वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है, कि कैसे आप अपना जो नाम है वो किसी और फोन के पर्सन में, कि आपका जो आपका नंबर है वो आपने किस और आदमी ने किस नंबर से आपका नंबर सेव कर रखा है। ऑल राइट, यहाँ पर जो हमारा जो एप्लीकेशन है वो हम उसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है, और ये ओपन और ये अभी ओपन हो रहा है। ऑल राइट, तो यहाँ पर जो ये फाइनली ओपन होने से पहले जो है ये अपनी जो परमिशन मांगेगा, तो सबसे पहले उसको हमें परमिशन देनी होगी। तो इसको मैं कंटिन्यू क्लिक करता हूँ। ऑल राइट, पूरी परमिशन दे करके एग्री और कंटिन्यू कर करके जो हमने जो इसको ऑन कर लिया है, और यहाँ पे जो मेरी जो प्रोफाइल है वो भी हमको शो हो रही है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको जो है थोड़ा सा उसको जानते हैं कि कैसे जो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और मैं आपको भी इस बारे में बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यार यहाँ पे ऊपर दिखा रहा है कि सर्च बाय नंबर, मतलब हम किसी नंबर से हम सर्च कर सकते हैं कि किसी अदर पर्सन ने आपका नंबर जो है वो किस नाम से सेव कर रखा है, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं एक बार ट्राई करता हूँ, हालांकि मुझे मैंने इसे पहले कभी यूज़ नहीं किया है, मैं भी अभी पहली बार इसका यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि मैं जो सबसे पहले मेरे नंबर में इसमें डाल करके देखता हूँ, ठीक है, कि जो मेरा नंबर है वो क्या दिखाता है। मेरा नंबर मैंने इसमें डाल दिया है और अब मैं जो है उसको सर्च करते हैं ऑनलाइन, पहले मुझे भी नहीं पता। यहाँ पे जो है ये दिखा रहे हैं यहाँ पे सिक्स टैग, ठीक है, जो कि मेरे नाम से, ठीक है। फर्स्ट टैग है शुभम प्रजापति विनोद चौहान, शुभम प्रजापत कॉलेज भारत, ठीक है, मंदोरा, शुभम प्रजापति, शुभम प्रजापत और SP, हालांकि ये नाम ही है बट मुझे नहीं पता कि ये क्या शो कर रहा है, ठीक है, कुछ टैग्स में ही है बट शो कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ तक ठीक है, बट मुझे मेरे फ्रेंड का एक कॉन्टैक्ट नंबर याद है, ठीक है, और जो कि हम उसको यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, सबसे पहले मैं एक नया कॉन्टैक्ट नंबर मैं यहाँ पर डालता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, मैंने जो एक नया कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डाला है, ठीक है, और ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है ये मेरे एक फ्रेंड का है, ठीक है, और मुझे देखना है कि जो मेरे फ्रेंड है वो किस नाम से मेरा नंबर अपने फ़ोन में सेव कर रखा है। तो यहाँ पे तो गए थे, क्या दिखा रहा है, अंधेरी चाय वाला, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, अंधेरी चाय वाला। अब ये आप देख सकते हैं कि क्या दिखा रहा है, अंधेरी चाय वाला, और जबकि जो मेरे फ्रेंड का नाम है वो है गौरव। ऑल राइट, और यहाँ पर दिखा रहा है अंधेरी चाय वाला, टेस्ट स्कोर पे क्लिक करते हैं, तो ये क्या दिखा रहा है, तो यहाँ पर कुछ दिखाया नहीं। ऑल राइट, तो अब क्या करते हैं कि हम एक और कॉन्टैक्ट नंबर लेते हैं और एक कॉन्टैक्ट नंबर की सहायता से फिर उसको और हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं, फिर हम देख लेंगे कि ये ऐसे काम करता है कि नहीं करता। तो मैंने एक नया कॉन्टैक्ट नंबर मैंने यहाँ पर डाल दिया है और अब जो इसको सर्च करते हैं, फिर देखते हैं कि मेरा नाम क्या दिखाता है। हम भाई जी क्या दिखा रहा है, वी कैन नॉट फाइंड, कुछ नहीं दिखा रहा। तो जो ये एप्लीकेशन है कुछ काम के ऐसे लग नहीं रही है, ठीक है, हालांकि इसको एक बार लास्ट बार हम इसको और एक बार ट्राई करके देख लेते हैं कि वाकई में काम करती है वरना कि ये फेक है। राइट, मैं इस पर एक नंबर और सर्च करता हूँ, ठीक है, और फिर देखते हैं कि ये क्या शो करता है हमको, ठीक है। हालांकि हमने इस पर दो बार चेक किया बट दो बार इसने जो है जो हमको अलग अलग रेस्पॉन्स दिया, ठीक है, बट जो एक सेटिस्फाइड जो रेस्पॉन्स है वो अभी तक हमको नहीं मिला है। ऑल राइट, अब क्या करते हैं, इस पर एक नए नंबर डालते हैं और नए नंबर से जो है हमको ट्राई करके देखते हैं कि वाकई में जो है जो ये सही इन्फॉर्मेशन हमको देता है या नहीं देता, ठीक है। तो हालांकि मैंने यहाँ पे जो एक नया नंबर और डाल दिया है, ठीक है, और अब क्या करते हैं, इस नए नंबर को हम एक बार सर्च करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हमको रिजल्ट्स मिलते हैं। ऑलराइट, तो गाइस ये बता रहा है कि जिसका जो कॉन्टैक्ट नंबर ये यहाँ पे उसका नाम बता रहा है बट मेरा नाम यहाँ पे शो नहीं कर रहा है कि इस पर्सन ने मेरा नाम किस नाम से सेव कर रखा है अपने फोन की लिस्ट में। ऑलराइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा कुछ शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे एक कॉल का ऑप्शन आ रहा है, एड का ऑप्शन आ रहा है और रिपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, बाकी टैक्स वगैरह को बता ही नहीं रहा किसने जो है मेरा नाम किस नाम से सेव कर रखा है।
उलट गए। तो इसको जो हमने कई बार में हमने इसको ट्राई करने की कोशिश की, अलग अलग कॉन्टैक्ट नंबर से हमने इसको ट्राई किया, बट हमको जो है एक सेटिस्फाई रेस्पॉन्स जो वो अभी तक भी नहीं मिला। ठीक है, तो हालांकि ये जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल एक ट्रू कॉलर की तरह सेम तो हम नहीं कह सकते, बट हालांकि मिलती जुलती एक एप्लीकेशन है। ठीक है, ऑलराइट। तो भाई तो मेरे भाई ये जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल फेक है। ठीक है, बिल्कुल भी रियल नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जैसा मुझे जो है वो सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट में हमको दिखाते हैं। ठीक है, एक चीज़ और जो इसकी जो ऐड है वो दावा करते हैं कि आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपकी जो है वो किसी अदर के फ़ोन में किस नाम से सेव कर रखे हैं। ठीक है, बट ऐसा तो मुझे कुछ इसमें रेस्पॉन्स मिला नहीं है। ठीक है, तो और आपने भी देखा तो ये जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल फेक है। ठीक है, रिजल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हालांकि आपको ये जो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आपको देनी थी, ऑलरेडी, तो आप सभी को जो ये वीडियो जरूर से अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक वीडियो के लिए एक लाइक जरूर से शाम हो गया आपके वीडियो बनाते। ठीक है, और सब्सक्राइब कर देना जिसने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।